नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यह वीडियो मैं विशेषकर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बहुत छोटे वीडियो बनाते हैं और जो बहुत लंबे वीडियो बनाते हैं। कुछ लोगों के मैंने वीडियो देखे, वो 3 मिनट से कम के वीडियो बना रहे हैं, जैसे 2.5 मिनट के, 2 मिनट के वीडियो बना रहे हैं। उनका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, तो उनसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि अपने वीडियो को थोड़ा सा लंबा खींच कर 3 मिनट का बनाएं। 3 से 5 मिनट के सबसे बेस्ट वीडियो होते हैं और उन पे ऐड भी अच्छी आती है। आज तो उनका चैनल मोनेटाइज नहीं है, इन फ्यूचर जब भी उनका चैनल मोनेटाइज होगा तो अगर वो 3 मिनट से कम की वीडियो बनाते हैं तो उनकी अर्निंग कम होगी, क्योंकि उसमें ना के बराबर ऐड आते हैं, बहुत कम ऐड आते हैं। और जो 3 मिनट से ऊपर के जो वीडियो बनते हैं उसमें ऐड अच्छे आते हैं, तो उसकी अर्निंग सही रहती है और इस तरह के वीडियो वायरल भी ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, कुछ लोग जैसे 6 मिनट की वीडियो बनाते हैं, 7 मिनट की वीडियो बना ली उन्होंने, इस टाइप से वो अगर 4 मिनट की वीडियो भी बनाएंगे और 6 मिनट की वीडियो भी बनाएंगे तो सेम ऐड आती है। तो 5 मिनट के अंदर अंदर वीडियो को रखेंगे, वे कम शब्दों में अपने बात को रखेंगे, कम समय में अपनी बात को रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। और अगर उससे और आगे जाना चाहते हैं, जैसे और लंबा वीडियो बनाना चाहते हैं, तो फिर 8 मिनट का बनाएं, उससे ऊपर का बनाएं, क्योंकि 8 मिनट और उससे ऊपर के वीडियो में अच्छी ऐड आती है और अर्निंग उसमें अच्छी होती है। और बाद में उसमें आप अपने मन से ऐड भी सेट कर सकते हो, ये सिस्टम, ये सुविधा भी आपको मिलेगी। इसलिए अगर आपको लंबे वीडियो बनाने हैं तो 8 मिनट से ऊपर के बनाएं, और छोटे बनाने हैं तो 3 मिनट से 5 मिनट के, ये दो टाइमिंग जो है बेस्ट टाइमिंग रहती हैं। और अगर मैं बात करूं जैसे ब्लॉगिंग चैनल वालों की, पहले मैं आपको जैसे टेक के जैसे चैनल होते हैं, जैसे मेरा टेक का चैनल है, अब हमने तो क्या है एक जानकारी दे दी, अगर वो किसी को पहले से पता होती है वो जानकारी तो उस वीडियो को नहीं देखता है, थंबनेल देखेगा, उस वीडियो को नहीं देखेगा। और जो जानकारी हमने शेयर करी, अगर बाई चांस उसे नहीं पता है तो हमने 5 मिनट का वीडियो बनाया, 10 मिनट का, उसको लगभग देख लेता है वे, क्योंकि उसको वो जानकारी सीखनी होती है, उसे जानकारी समझनी होती है, उसकी वो ज़रूरत होती है तो वो देखता है उसे। लेकिन व्लॉगिंग जो चैनल हैं ये अलग कैटेगरी के चैनल हैं, इसमें क्या है आदमी रोज़ रोज़ देखता है व्लॉगिंग वाले चैनलों को, तो उनको उसकी आदत हो जाती है, वो उसको पसंद करता है और उनके व्लॉग्स को देखता है। इस तरीके से व्लॉगिंग चैनल चलते हैं। आपने गौर किया होगा जो बड़े व्लॉगिंग चैनल होते हैं, जैसे आज उसके 30,000 व्यूज़ आए, तो नेक्स्ट डे आप गौर करना, नेक्स्ट डे भी 30,000 आएंगे, उसके नेक्स्ट डे भी 30,000 आएंगे, मतलब जो उनके जो बड़े दर्शक हैं वो उनके हर ब्लॉग को देखते हैं। तो मेन चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ जो ब्लॉगिंग चैनल वाले हैं, तो अभी शुरुआत में आपके दर्शक कम हैं तो छोटे वीडियो बनाएं। एक बार मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, 10 मिनट के अंदर अंदर के वीडियो बनाएं आप, जो सबसे बेहतर रहेंगे आपके लिए, क्योंकि अभी आपके दर्शक ज़्यादा नहीं होंगे, आपसे ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं, तो आप 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, इस तरह के कई लोग वीडियो बना रहे हैं 15 मिनट, 20 मिनट के, तो इतने लंबे वीडियो आदमी देखता नहीं है। जैसे आपने 15 मिनट का वीडियो बनाया, उसने अगर किसी ने 5 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, 4 मिनट देखा, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रह जाती उसकी। और अगर आपने 10 मिनट, सपोज आपने 8 मिनट का वीडियो बनाया, उसे 5 मिनट भी देख लिया उसने, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि आपके वीडियो में एवरेज कितनी देर रुका ये देखा जाता है। जो आपका जो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो ये चेक करता है कि आपने जो वीडियो डाला उस वीडियो में आदमी कितने मिनट तक रुका, कितने टाइमिंग तक देखा उसने। जैसे 5 मिनट का वीडियो है, उसे 4 मिनट, 3 मिनट तक देखा तो बेहतर माना जाता है। और जैसे आपने 15 मिनट का वीडियो बना दिया, 20 मिनट का वीडियो बना दिया, उसे 4 मिनट, 3 मिनट देखा, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसका कम फायदा होगा उसका। इसलिए 10 मिनट के अंदर अंदर के वीडियो सबसे बेहतर हैं जो नए व्लॉगर हैं। धीरे धीरे आपके दर्शक आपको देखते देखते उनको आदत हो जाएगी, वो आपको जुड़ेंगे, आपसे आपको पसंद करेंगे, वे आपके व्लॉग्स पसंद करेंगे, उसके बाद आप टाइमिंग को बढ़ाएं। शुरुआत में कम शब्दों में अपनी बातों को रखने की कोशिश करें, जैसे आपके दर्शक आपसे जुड़ जाते हैं तो उसके बाद उसकी टाइमिंग को बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं मेन फोकस यही करना चाहता था, जो 2 मिनट के वीडियो बना रहे हैं वो 3 मिनट के बनाएं, 3 से 5 मिनट के सबसे बेहतर हैं।
जो 7 मिनट तक जाते हैं तो थोड़ा सा और खींच के 8 मिनट के वीडियो बनाएं। ये दो चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और नंबर 3, जो बहुत लंबी वीडियो बना रहे हैं नए ब्लॉगर, 30 20 मिनट के 25 मिनट के, वो 10 मिनट के अंदर अंदर के वीडियो बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये मेरा मानना है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।